हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव, CTVS सर्जन, अमृतधारा माई हॉस्पिटल। तो आज बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बारे में। बाईपास सर्जरी क्या है? बाईपास सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें कि हार्ट में ब्लॉकेजेस के लिए सर्जरी की जाती है, जिससे कि जो ब्लॉकेजेस हैं उसके आर पार ब्लड फ्लो जा सके और जो ब्लॉकेजेस हैं वो हमें जो परेशानी कर रही है या चेस्ट पेन या पैल्पिटेशन या ब्रेथलेसनेस जो भी दिक्कतें कर रही हैं वो दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सके। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि बाईपास सर्जरी कौन सी बीमारी में की जाती है और ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है। तो बाईपास सर्जरी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ में की जाती है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें कि जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उसमें ब्लॉकेजेस आ गई हों, तो उसको कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस क्यों होती हैं? बहुत सारी केसेस में ये जेनेटिक कॉज होता है, बहुत सारे प्रिवेंटेबल कॉजेस होते हैं जो कि हमारी खुद की वजह से भी होते हैं, जैसे कि अगर हम स्मोकिंग करें, अल्कोहलिज्म करें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उसकी वजह से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिनका, या फिर जिनको बीपी है वैसे लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर हमें हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है आगे? तो यूजुअली जो कार्डियक के टेस्ट्स होते हैं, ECG, एको, एक्सरे एंड एंजियोग्राफी, ये सारे टेस्ट में हमें पता चल जाते हैं कि बेसिकली आपको जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो किस प्रकार की है और उसके लिए अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट का ये मीनिंग है कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो तीन तरीके से ट्रीट हो सकती है, एक या तो दवाई से, दूसरा या तो स्टेंटिंग या जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, तीसरा बाईपास सर्जरी। तो क्या बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग या मेडिकल मैनेजमेंट क्या सब पे चल सकता है? नहीं, एक साइज सब पे फिट नहीं होता। तो हर पेशेंट की जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है वो अपने आप में डिफरेंट डिजीज़ होती है और उसके लिए अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। सो ऐसा नहीं होता कि हर एक में ही हम दवाई से ठीक कर दें, बहुत कम ही केसेस होते हैं ऐसे जो दवाई से इम्प्रूवमेंट या कुछ फ़र्क पड़ता है हमको, और जो बाकी लोग हैं जिन्हें स्टेंट और बाईपास के बीच में चूज़ करना होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपकी बीमारी किस प्रकार की है वो हमें गाइड करेगा कि उसमें स्टेंटिंग होनी है या फिर बाईपास सर्जरी होनी है। तो बहुत सारी ऐसी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के टाइप्स होते हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ होता है या जिनका पहले स्टेंट ब्लॉक हो चुका है या फिर जिनको बीपी की शिकायत है या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर बढ़ा रहता है या जिनको किडनी की बीमारियां हैं, जिनको और तरह की बीमारियां भी रहती हैं, वो लोग बाईपास सर्जरी से ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है। और जिनको डिफ्यूज़ डिजीज़ है, मतलब जिनकी उनकी नसों में थ्रू आउट माइनर ब्लॉकेजेस हैं या फिर किसी के 100% ब्लॉकेज है, तो वो सारे जो बीमारियां हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के टाइप्स हैं वो बाईपास सर्जरी से ज़्यादा बेनिफिट पाते हैं। तो लोग ये भी सोचते हैं कि क्या सारा कुछ स्टेंट से ठीक नहीं हो सकता? नहीं, सारा कुछ स्टेंट से ठीक नहीं हो सकता। जो बीमारियों में बाईपास सर्जरी होनी चाहिए उसमें आइडियली अगर बाईपास सर्जरी हो जाए तो रिजल्ट्स बेटर होते हैं। स्टेंटिंग उन केसेस में होने से कई बार ऐसा होता है कि हार्ट को प्रॉब्लम भी आ जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियों की वजह से जैसे कि डायबिटीज़, स्टेंट पड़ने के बाद कई बार स्टेंट बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है। तो बेसिकली हम बाईपास सर्जरी में करते क्या हैं? बाईपास सर्जरी में हम बेसिकली जो ब्लॉकेज है उसके अक्रॉस, मतलब जो ब्लड फ्लो है हार्ट
को वो सप्लाई कराते हैं, यानी कि रीरूट करते हैं ब्लड को एओर्टा से, जो मेन खून की नस है उससे लेकर जो कॉरोनरी आर्टरी है हार्ट के, उसमें ब्लड को रीरूट करते हैं, मतलब एक नया पैसेज बनाते हैं। वो नया पैसेज हम या तो छाती के अंदर की खून की नसों से बनाते हैं, या फिर रेडियल आर्टरी से बनाते हैं, या फिर पैर के खून की नसों से बनाते हैं। तो ये हमारा ऑल इन ऑल बाईपास सर्जरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम व्यूअर्स के कुछ सवालों का जवाब देंगे जो कई बार हमें मैसेज से या फोन कॉल से ये सब डाउट्स आते हैं, तो वो सारे डाउट्स को हम आज क्लियर करेंगे एंड होपफुली हम आपको इस तरीके से हेल्प कर सकेंगे। तो जो सवाल हमारे पास आए हैं उसमें सबसे पहला सवाल है कि कितने परसेंट ब्लॉकेज पे सर्जरी या फिर स्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली जो हम स्टेंटिंग करते हैं वो मे बी 30-40%, 50% ब्लॉकेजेस तक भी हम कर देते हैं, बट जो जब भी हम बाईपास सर्जरी करते हैं वो यूजुअली 50% ब्लॉकेज से ज़्यादा रहता है। एंड जिनको लेफ्ट मेन डिजीज है, यानी कि जो हार्ट की जो मेन खून की नस है, अगर उसमें मोर देन 20-30% ब्लॉकेजेस भी आ गई हैं तो फिर हमें बाईपास सर्जरी के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है ये मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन एओर्टा होता है उसमें से बहुत सारी खून की नसें निकलती हैं, उसमें से एक लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, एक राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, कुछ रेडियल आर्टरी होते हैं, कुछ खून की नसें जो हमारे पैर में होते हैं, वो सबको हम लेकर एओर्टा से कॉरनरी आर्टरी तक एनास्टमोसिस करते हैं, जिससे कि ब्लड रीरूट होकर अक्रॉस द जो ब्लॉकेज है एक बाईपास सर्किट क्रिएट होता है जहाँ से कि ब्लड फ्लो जाता है और हार्ट की ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है। कितने दिन हॉस्पिटल स्टे होता है बाईपास सर्जरी के बाद? तो यूजुअली जो हमारे सेंटर में हम जो बाईपास सर्जरी करा रहे हैं, हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम फोर्थ डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें। फर्स्ट 2 डेज पेशेंट आईसीयू में रहता है, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ डे हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, एंड वार्ड में शिफ्ट करने के बाद जो उनके जो ड्रेन्स हैं, जो पेसिंग वायर्स हैं, वो सब ऑक्सीजन ये सब हम धीरे धीरे वीन ऑफ करने लगते हैं, एंड उसके बाद पेशेंट जो है फोर्थ डे यूजुअली फिट फॉर डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम यूजुअली जो हमारा प्रोटोकॉल है फोर्थ डे को डिस्चार्ज करने का, एंड यूजुअली हम फर्स्ट 7 डेज के बाद उनको रिकॉल करते हैं, एंड देन 1 मंथ पे फॉलो अप करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर्जरी के बाद हम अपना देखभाल कैसे करें, कितने समय के बाद कौन कौन से टेस्ट करवाते रहने चाहिए? तो बेसिकली सर्जरी के बाद कई सारे हम एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं, लंग्स की एक्सरसाइजेज होती हैं एंड कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ आपको हम प्रिकॉशंस बताते हैं, डाइट चार्ट देते हैं, ये सारी डाइट चार्ट्स एंड जो एक्सरसाइजेज हमने बताए वो सारे चीज़ें अगर हम करते रहें एंड अपने आप को मोबिलाइज करते रहें, खाने को का टाइम अगर हम मेंटेन रखें, तो यूजुअली क्या होता है कि रिकवरी हमारी बहुत फास्ट होती है बाईपास सर्जरी के बाद। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाईपास सर्जरी के बाद कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें डाइट कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इनफैक्ट फर्स्ट मंथ में डाइट कंट्रोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अच्छा और ज़्यादा खाना खाएं ताकि हमारा न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा मेंटेन रहे, क्योंकि जो पेशेंट होता है जस्ट आफ्टर बाईपास सर्जरी कैटाबॉलिक स्टेट में होता है, मतलब कि बॉडी वेट लूज करता है, प्रोटीन लूज करता है, वो सारा पार्ट जो है उस टाइम पे हमें अपनी न्यूट्रिशन को बहुत ही अच्छा रखना है। तो कई सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं, इवन हमने अभी लास्ट जो बाईपास सर्जरी की वो 80-year-old फीमेल पे किया, तो उनकी भी रिकवरी जस्ट बिकॉज उनकी विल पावर इतनी अच्छी थी
एंड उन्होंने डाइट कंट्रोल इतना अच्छा रखा पोस्ट ऑप में, शी इज डूइंग गुड। और उसी से मतलब एक एग्जांपल ये भी हो जाता है कि भाई अगर हमने स्ट्रिक्ट रूल्स जो हमने आपके लिए सेट किए हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आई बिलीव कोई भी ऐसा पेशेंट या किसी भी एज का ऐसा पेशेंट नहीं हो सकता जिसमें बाईपास सर्जरी सक्सेसफुल ना हो। हाउ इज़ लाइफ आफ्टर बाईपास सर्जरी, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। कई लोगों को लगता है कि बाईपास सर्जरी एक बहुत ही डेबिलिटेटिंग सर्जरी होती है, मतलब कि आदमी बिल्कुल बेड रेस्ट या बेड रिडन हो जाता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली क्या बहुत रेयरली ऐसा होता है। पेशेंट्स हमने किसी भी पेशेंट को ऐसा नहीं देखा, इवन जैसे हमने बताया कि 80 ईयर ओल्ड फीमेल पे भी हमने बाईपास किया तो शी वॉज नेवर बेड रिडन। और बेड रिडन का ये मीनिंग है कि आप बाईपास सर्जरी के बाद इतने कमज़ोर हो गए कि आप चल फिर भी नहीं पा रहे, तो वैसा सर्जरी आई डोंट थिंक इट इज़ बेनिफिशियल, वैसा होता नहीं है। बाईपास सर्जरी आजकल बहुत ही कॉमन सर्जरी है एंड उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। पेशेंट दूसरे दिन वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है एंड उसके बाद वो अपना चलना फिरना और सारा कुछ बहुत जल्दी रिज्यूम कर लेता है। हालांकि अपने जो मेजर फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हम ये प्रेफर करते हैं कि आप आफ्टर वन मंथ करें, बट यूजुअल फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी जस्ट आफ्टर डिस्चार्ज ही शुरू हो सकती है। व्हाट फूड शुड बी अवॉइड आफ्टर बाईपास सर्जरी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट कैटाबॉलिक स्टेट में होता है फर्स्ट मंथ आफ्टर बाईपास सर्जरी। उस टाइम पे यूजुअली जो मेरा प्रोटोकॉल है वो है कि आप अपने मन पसंद का सारा खाना खाओ ताकि आपकी इनटेक अच्छी होनी चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या ये सब चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती, रेदर दैन कि हमारा इनटेक कितना अच्छा हो रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस, इन द लॉन्ग रन हमें बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना है जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, बीपी को कंट्रोल में रखना होगा, शुगर को कंट्रोल में रखना होगा। शुगर कंट्रोल रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एंड जो जो भी चीज़ें हमारी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कोई भी तेल, घी, मिर्च मसाले की चीज़ें हमें इन द लॉन्ग रन अवॉइड करना है बट नॉट इन द शॉर्ट टर्म। इज़ देयर एनी रिस्क इन बाईपास सर्जरी, देखिए कोई भी सर्जरी होती है उसकी कुछ रिस्क रहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हार्ट की सर्जरी हो रही है, डेफिनेटली देयर इज़ अ रिस्क, लेकिन कितना रिस्क है और रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या है, मतलब कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि रिस्क ऑफ डेथ कितना है। तो अराउंड 3-5% होता है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन एंड इंडिविजुअल भी मैटर करता है कि आपको और कितनी बीमारियां हैं, वो सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो 3-5% रिस्क होता है नॉर्मल लोगों में एंड जैसे आपका एज या अदर बीमारियां होती हैं तो ये रिस्क स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है रिस्क बेनिफिट रेशियो। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो का मीनिंग ये होता है कि हमें उस प्रोसीजर से रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना हो रहा है। तो अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो में बेनिफिट ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो प्रोसीजर कराने में हमें फ़ायदा है। एक आदमी के डेली रूटीन में क्या क्या करना चाहिए जिसमें कि उसका दिल या शरीर दोनों तंदुरुस्त रहें, तो ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है एंड जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ वो अपने आप में ही एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो हम आपको ये समझा सकते हैं कि जैसे कि अगर हम शुगर को कंट्रोल रखें या फिर हम बीपी को कंट्रोल रखें, स्मोकिंग अवॉइड करें, इनफैक्ट पैसिव स्मोकिंग भी अगर हम अवॉइड करें एंड स्मोकिंग अवॉइड करें, शुगर को कंट्रोल में रखें, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने हार्ट को
कॉरनरी आर्टरी डिजीज से बचा सकती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना, ये सारे बहुत सारे जनरल जो हमें खुद से ही पता होती हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम ना करें या बीमारियों को कंट्रोल में रखें, तो डेफिनेटली हमारी जो हार्ट की हेल्थ है वो डेफिनेटली बेटर रहेगी एंड बहुत सारी हम डिजीजेस को अवॉइड कर पाएंगे। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर बाईपास सर्जरी? तो बाईपास सर्जरी की ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मोर देन 80 ईयर्स में हम बाईपास सर्जरी को अवॉइड करें, क्योंकि बाईपास सर्जरी के बाद हम कितनी लॉन्गिविटी दे पा रहे हैं उस पेशेंट को, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर पेशेंट कोई 85 या 90 ईयर्स के आसपास का है एंड ही नीड्स अ बाईपास सर्जरी, तो आई विल प्रेफर कि उनको या तो स्टेंटिंग से काम चल जाए या फिर मेडिकल मैनेजमेंट पे ही वो अपना काम चलाएं, क्योंकि 85 टू 90 ईयर्स के ऊपर वाले लोग जो हैं वो बाईपास सर्जरी को इतना इतनी आसानी से झेल नहीं पाते हैं। तो ये एक हमारा जो कट ऑफ होता है यूजुअली अबव 80 ईयर्स तक हम ये मानते हैं। एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर आयुष, आप किस किस तरह की सर्जरी करते हैं, क्या आप लंग का भी ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, मैं हार्ट के साथ साथ लंग्स का भी सर्जरी करता हूँ एंड लंग्स की सर्जरी में जैसे कि हमारे कई बार खांसी में खून आ रहा होता है, कई बार हमारे लंग में ट्यूमर होता है, कई बार ब्रोंकिएक्टेसिस होती है, कई बार टीबी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे फेफड़े में पस जम जाता है। तो ये सारी सर्जरीज जो हैं लंग की, ये भी हम करते हैं अमृतधारा में एंड कई सारे जो लंग के हर प्रकार के सर्जरीज होते हैं वो हम करते हैं। उसके अलावा हम जो वैस्कुलर सर्जरीज होती हैं जैसे कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या वेरिकोज वेन्स या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सारे जो डिजीजेज हैं इनके भी सर्जरीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो सारा कुछ जो कार्डियक थोरेसिक एंड वैस्कुलर का जो स्पेक्ट्रम होता है वो हम अमृतधारा माई हॉस्पिटल में कर रहे हैं एंड होपफुली हम आपकी मदद के लिए ये इंफॉर्मेशन जो आज हम लेकर आए हैं इस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आगे भी हम इसी तरह के वीडियोस के साथ आपको एनलाइटन एंड आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहेंगे, ताकि आपकी जो हेल्थ है पर से पहले तो वो बेटर रहे एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप उस बीमारी को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकें एंड अप्रोप्रिएट टेस्ट करा सकें एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करा सकें। तो हर तरह की कार्डियक थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरीज के लिए हम यहाँ पे अमृतधारा हॉस्पिटल में आपके लिए अवेलेबल हैं। नमस्कार।